गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर था, हमने वो स्टार्ट किया था। मैक्सिमम पार्ट आप लोगों का इसमें कवर हो चुका है। लास्ट जो इसमें आप लोगों का टॉपिक बच रहा है वो हमारे पास है ट्राई कार्बोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप सिट्रिक एसिड जो आप लोगों के पास है वो ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या है, तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मोनो हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करें अगर हम सिट्रिक एसिड की, तो हमारे पास होता है इसमें, मैंने आप लोगों को भी बताया कि इसमें क्या होता है, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं और अपने पास क्या होगा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये आप लोगों के पास एसिड में आप लोगों के पास आएगा क्योंकि इसके पास थी, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और ये क्या है, मोनो हाइड्रोक्सी हमारे पास है। तो ये जो आप लोगों के पास सिट्रिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास ये। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने इससे पहले जो आप लोगों के पास मैलिक एसिड है वो हमने बात की, उसमें हमने सक्सिनिक एसिड वगैरह हमने लिया, तो जैसे हमने उसकी बात की, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन वगैरह देखे, केमिकल रिएक्शंस देखी, तो वही अपने पास चलेगा सिट्रिक एसिड में। स्ट्रक्चर हमारे पास सिट्रिक एसिड की यह है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है आप लोगों के पास, वो खट्टे जो फल आप लोगों के पास होते हैं, नींबू वगैरह, संतरा, माल्टा, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये जो सिट्रिक एसिड आप लोगों के पास है वो हमारे पास जो कच्चे फल आप लोगों के पास होते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत लो क्वांटिटी में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की सिट्रिक एसिड की, तो वो हम बात हमारे पास होता है, फर्स्ट हमारे पास है इसमें मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ग्लिसरॉल जो होता है उससे हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रिपरेशन। हमारे पास ग्लिसरॉल में क्या करवाएंगे, सबसे पहले ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्लिसरॉल इट मीन्स इसके पास क्या होता है, तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्लिसरॉल हमारे पास है इसकी हम किसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, HCl के साथ। जैसे ही हम HCl के साथ रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो अपने पास रिएक्शंस कहाँ होगी, इसके पास थ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, ये जो आप लोगों के पास ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है, ये जो ग्लिसरॉल है इससे हमें क्या बनाना है, सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है। तो हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसके फर्स्ट रिएक्शंस करवाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो आप लोगों के पास फर्स्ट हमारे पास ये वाला का हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट एंड थ्री पे जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उसका क्या होगा, हमारे पास रिमूवल होगा। तो हमारे पास रिएक्शंस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है अपने पास एज इट इज रहेगा, और ये जो आप लोगों के पास फर्स्ट एंड थ्री पोजिशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूव हमारे पास क्या होगा, यहां से ये जो हमारे पास इन प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा वो क्या निकलेगा, टू आप लोगों के पास H2 होंगे और हमारे पास यहां पे कितनी, दो मोल आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें यहां पे, इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम क्या करवाते हैं, ये जो क्लोराइड आप लोगों के पास है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, हम क्या करवाएंगे इसका, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये जो आप लोगों के पास ये बचा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहाँ हमारे पास क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और सेकेंडरी जो अल्कोहल आप लोगों के पास प्रेजेंट होता है उसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। तो यहाँ अगर हम बात करें, तो हमारे पास ये जो सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का जैसे ही हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप में जैसे ही चेंज होगा हम क्या करवाएंगे आगे, इसकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, HCN के साथ। तो जैसे ही हम HCN के साथ रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो कीटोन ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑक्सीजन की जो आप लोगों के पास मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर यहाँ हम चार्ज का सेपरेशन करते हैं तो H+ आप लोगों के पास होता है, और साइनाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही हम मूव करवाते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों का और हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट आप लोगों के पास है वो किससे, इस हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट आप लोगों के पास आएगा वो किससे, साइनाइड से अटैच हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारे पास नेक्स्ट जो बनेगा, आप लोगों के पास क्लोराइड जो है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा OH और ये
साइनाइड, यहाँ पे अपने पास CS2, आप लोगों के पास मैथिल क्लोराइड। तो ये जो हमारे पास बना वो क्या है, हमारे पास साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन है हमारे पास, ये जो इंटरमीडिएट हमारे पास बना साइनोहाइड्रिन। आगे क्या करवाएंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, ग्लिसरॉल से हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है, सिट्रिक एसिड बनाना है, यानी कि ये जो क्लोरीन ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है हमें क्या करना है, इसका रिमूवल करना है। और किसके साथ हमें रिएक्शंस करवानी है इसकी, साइनाइड जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमें चेंज करना है। तो हम क्या करवाएंगे, वापस से हम क्या करवाएंगे, एक बार हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही रिएक्शंस होगी यहाँ पे, तो ये जो क्लोरीन ग्रुप है अपने पास वो रिमूवल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइनाइड आप लोगों के पास आ जाएगा। और ये अपने पास OH साइनाइड है यहाँ पे, और ये वाला इसमें चेंज आप लोगों के पास हो जाएगा, ये आप लोगों के पास स्पीसीज बन जाएगी, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मोनोहाइड्रोक्सी 3 आप लोगों के पास प्रोपेन आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जैसे ही अपने पास रिएक्शंस हो जाती है आगे, अब हमें क्या करना है, ये जो साइनाइड आप लोगों का ग्रुप है इसको हमें किस में चेंज करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करना है। तो साइनाइड ग्रुप को जैसे ही हमारे पास दो चीज़ यहाँ पे होती है, साइनाइड ग्रुप आप लोगों के पास होता है, अगर हम क्या करवाते हैं इसका रिडक्शन करवाते हैं, अगर हम इसका अपचयन करवाते हैं, तो रिडक्शन में मीन्स आप लोगों के पास क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2NH2 एल्किल एमीन में चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम साइनाइड ग्रुप का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अब ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो ये किस में चेंज होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स इसके पास क्या होगा, ऑक्सीजन जो आप लोगों के पास होंगे वो अटैचमेंट होंगे, तो यहाँ ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो हमें क्या करना है, साइनाइड ग्रुप को जब भी आप लोगों को साइनाइड ग्रुप से जब भी आप लोगों को एमीन चाहिए, तब तो हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, और साइनाइड ग्रुप से जब हमें ऑक्सीडेशन चाहिए तो तब हम क्या करवाते हैं इसका, सॉरी जब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो हम क्या करवाते हैं इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या करवाएंगे, ये जो आप लोगों के पास साइनाइड ग्रुप है इसका हम क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और ये अपना हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, ग्लिसरॉल से हमने क्या बना लिया, हमारे पास जो हमें लास्ट जो हमारा चाहिए था सिट्रिक एसिड की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है, ये क्या है हमारे पास सिट्रिक एसिड, यानी कि मोनोहाइड्रोक्सी 3 आप लोगों के पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सिट्रिक एसिड। तो ये कुछ मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन था कि कैसे हम ग्लिसरॉल के थ्रू किसकी सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करते हैं सिट्रिक एसिड की, तो यहाँ पे अगर हम सिट्रिक एसिड में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट है हमारे पास में केमिकल रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस देखते हैं हम, हमारे पास होगा नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस देखनी है। तो सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर जो आप लोगों के पास होगी वो क्या होंगे, यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक मोनोहाइड्रोक्सी हमारे पास होगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमें क्या करना है, अगर हम क्या करवाएं केमिकल रिएक्शंस में, अगर हम इसे साल्ट की फॉर्मेशन करनी है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है ये आप लोगों के पास रिमूव हो सकते हैं, और इससे क्या बन सकता है हमारे पास, साल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो हम क्या करवाएंगे इसका, सोडियम के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे ही हम सोडियम के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं ओनली फॉर आप लोगों के पास वन मोल सोडियम का अगर यूज़ करते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ से सोडियम की रिएक्शंस होगी आप लोगों के पास, जैसे NaOH के रूप में हम सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। तो ये जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप लोगों के पास है CO, वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा Na, यानी कि सोडियम जो होगा वो इससे अटैच हो जाएगा, यानी मोनोसोडियम सिट्रेट इसकी फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो जाएगी। इससे हमारे पास बनेगा CH2 CO आप लोगों के पास है यहाँ पे Na, ये आप लोगों के पास बन जाएगा यहाँ पे अपने पास जो है वो एज इट इज़ आप लोगों के पास क्या रहेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये अपने पास एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे दो मोल यूज़ करते हो, तो दोनों जो फर्स्ट और 3 नंबर का जो आप लोगों के पास कार्बन प्रेजेंट है उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उनसे हमारे पास क्या होगा आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो उसकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा
एनए। अगर यहाँ पे हम दो मोल यूज करते हैं सोडियम या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शंस करवाते हैं तो ये हमारे पास रिएक्शंस हमारे पास था। यहाँ क्या बन जाएगा, ये डाई सोडियम सिट्रेट, डाई सोडियम सिट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 3 मोल आप लोगों के पास है, 3 मोल अगर हम यूज़ करते हैं किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो अपने पास क्या होंगे, तीनों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिएक्शंस कर लेते हैं। ये अपने पास क्या था, साल्ट की फॉर्मेशन में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें एसिटिलीकरण करवाएं अगर इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शंस है हमारे पास इसमें एसिटिलेशन। अगर हम देखें इसकी केमिकल रिएक्शंस में, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो सिट्रिक एसिड है हमारे पास, सिट्रिक एसिड आप लोगों को करना है क्योंकि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस चलेगी वो किसकी चलेगी, यहाँ पे सिट्रिक एसिड की चलेगी। तो सिट्रिक एसिड की जैसे ही हम क्या करवाते हैं, एसिटिलेशन करवाना है, इट मीन्स हैंड की क्या करवाना है हमें, इसके साथ ऐसे ग्रुप की रिएक्शंस करवानी है जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हम क्या करवाएं यहाँ पे, ये जो CH3 आप लोगों के पास है एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करवा सकते हैं, इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करवा सकते हैं। इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो ये रिएक्शंस कहाँ होगी, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है, मोनो हाइड्रोक्सी ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है, इस मोनो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्शंस होगी। यहाँ पे ये जो OH आप लोगों के पास वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ से हम, तो ये अपने पास बन जाता है ऑक्सीजन आप लोगों के पास है, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3 यानी कि एसिटेट आप लोगों के पास बन जाएगा, और यहाँ पे CH2 अपना एज इट इज रहेगा। प्लस हमारे पास सिम प्रोडक्ट के रूप में क्या रिमूवल होगा, यहाँ से HCl आप लोगों के पास रिमूव हो जाएगा। अगर हम क्या करवाते हैं इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, यहाँ पे सिम प्रोडक्ट के रूप में क्या रिमूव होता है, यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH रिमूव होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। एसिटिलेशन में आप लोग दो रिएजेंट इसमें यूज़ में ले सकते हो, या तो एसिटिल क्लोराइड यूज़ में ले सकते हो, या फिर हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ में ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, तो जैसे ही आप लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, तो हमारे पास क्या रिमूव होता है, HCl रिमूव होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या रिमूव होगा, एसिटिक एसिड हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो ये अपने पास कुछ रिएक्शंस थी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में, एसिटिलेशन में। नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर हम रिएक्शंस करवाएं इसकी, यानी कि रिडक्शन हम कर सकते हैं रिएक्शंस विद हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे ही हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, एसिटिक जो आप लोग सिट्रिक एसिड है उसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे पास ये है सिट्रिक एसिड, इस सिट्रिक एसिड में हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शंस करवानी है किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं सिट्रिक एसिड की, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो आप लोगों के पास होगी, हमारे पास ये जो होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हम क्या करेंगे, 2 मोल इसके यूज़ करते हैं। जैसे ही हम 2 मोल यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये जो आप लोगों के पास H2 यहाँ से हमारे पास है, और ये ऑक्सीजन जो है आप लोगों के पास रिमूवल शो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक I2 आप लोगों के पास बन जाएगा, यानी कि किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास इस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हमारे पास प्रोपेन 1-2-3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, ये जो आप लोगों के पास है रिएक्शंस अपनी मेनली कहाँ होगी, हाइड्रोक्सी ग्रुप पे रिएक्शंस होगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपेन इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास, ये क्या है प्रोपेन 1-2-3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसका ड्रा करें इसका नेम, तो हमारे पास होगा प्रोपेन 1-2-3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड,
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ से। प्लस हमारे पास सिन प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है कि सिन प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या रिमूव होगा यहाँ से। ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या रिमूव करेंगे, H2O रिमूव हो जाएगा। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, I2 आप लोगों के पास रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या थी, रिएक्शंस विथ आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शंस थी, कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जैसे ही हम क्या करवाते हैं, सिट्रिक एसिड के रिएक्शंस करवाते हैं, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोपेन 1-2-3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारे पास नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट, ताप का प्रभाव अगर हम देखें यहाँ रिएक्शंस में, तो हमारे पास क्या होगा, इफेक्ट ऑफ हीट। हीट हमारे पास जैसे ही हम ताप का प्रभाव देखते हैं यहाँ पे, ये जो आप लोगों के पास सिट्रिक एसिड है, अगर हम क्या करते हैं इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम हीट करते हैं, तो यहाँ इस पर क्या होता है, इसमें आप लोगों के पास CO2 जो आप लोगों के पास होगा वो रिमूवल शो होगा। तो जैसे ही हमारे पास H2 आप लोगों के पास रिमूव शो होगा, तो उससे क्या बनेगा, एकोनिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास ये है सिट्रिक एसिड, ये जो सिट्रिक एसिड आप लोगों के पास प्रेजेंट है, इस सिट्रिक एसिड में क्या होगा, इस सिट्रिक एसिड में आप लोगों के पास क्या होगा, इफेक्ट जैसे ही हम इसको हीट करेंगे कितने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसको हीट करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ से OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, जैसे ही हमारे पास रिमूवल होगा यहाँ पे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे पास है। प्लस हमारे पास रिमूव क्या होगा यहाँ से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, OH यहाँ से लेंगे और हाइड्रोजन हम यहाँ से लेंगे, तभी हमारे पास क्या होगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास H2 रिमूव हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एकोनिटिक एसिड, ये बनेगा एकोनिटिक एसिड, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो आप लोगों के पास है, इस पर हम हीट करते हैं, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एकोनिटिक अम्ल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एकोनिटिक अम्ल को जैसे ही हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसे हीट करते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ से क्या हो जाता है, इसके पास CO2 जो आप लोगों के पास है उसका रिमूव हो जाता है, और हमारे पास क्या बन जाता है, मीजोकोनिक अम्ल, और एक बनता है सिट्रेकोनिक अम्ल। मीजोकोनिक अम्ल जो आप लोगों के पास है और जो सिट्रेकोनिक एसिड आप लोगों के पास है, वो क्या होता है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकली आइसोमेराइज होता है, ज्यामिति समावयवता शो करते हैं, यानी कि सिस और ट्रांस फॉर्म में आप लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखें, ये जो आप लोगों के पास एकोनिटिक एसिड है, इस एकोनिटिक एसिड को हम उच्च ताप पर, जैसे ही हम हाई टेंपरेचर पर हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, CO2 का हमारे पास क्या हो जाता है, यहां से रिमूव हो जाता है, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों के पास बचा हुआ है, इससे हमारे पास क्या होगा, CO2 का रिमूव हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट आगे देखें इस रिएक्शंस को, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, तो हमारे पास हीट करने में क्या होगा, ये जो आप लोगों के पास थर्ड नंबर वाला जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उससे क्या हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा। जैसे ही CO2 रिमूव हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा COOH, और ये भी हमारे पास COOH, ये अपने पास है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, इसकी फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो जाएगी। ये क्या है, मीजोकोनिक एसिड, मीजोकोनिक एसिड आप लोगों के पास है, इसको हम बोलेंगे मीजोकोनिक एसिड, ये हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें जो आप लोगों के पास होगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सिस फॉर्म में मिलेगा हमें, ये होगा सिट्रेगोनिक एसिड, ये हमारे पास क्या होगा, सिट्रेकोनिक एसिड, सिट्रेकोनिक एसिड। और जो मीजोकोनिक एसिड आप लोगों के पास प्रेजेंट है, ये क्या होंगे हमारे पास, ये जो सिट्रेकोनिक एसिड और जो मीजोकोनिक एसिड आप लोगों के पास है, ये हमारे पास क्या होगा, ये तो कौन सी फॉर्म में है, ये ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, सिस फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम के, कि जैसे आप लोगों के पास क्या होता है, सिट्रिक एसिड को 150 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप लोगों को स्पेसिफिक टेम्परेचर आप लोगों को दिया हुआ है हमारे पास जैसे ही, तो एस
H2O का सबसे पहले आप लोगों को रिमूव करना है यहाँ से, जल जो आप लोगों के पास होगा H2O वो रिमूवल होगा। उससे क्या मिलेगा हमें, एकोनिटिक एसिड मिलेगा। और जो एकोनिटिक एसिड है, जैसे हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इससे CO2 का रिमूव होगा। और CO2 का रिमूव होने से हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा मीजोकोनिक एसिड और एक बनेगा सिट्रेकोनिक एसिड। ये जो मीजोकोनिक एसिड आप लोगों के पास है वो ट्रांसफॉर्म में होगा, यानी कि दोनों जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, विपक्ष आप लोगों के पास होगा। और जैसे हमारे पास सिट्रेकोनिक एसिड बनेगा, ये कौन सा होगा, सिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के सिस पोजीशन में प्रेजेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम के ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इफेक्ट ऑफ हीट। यहां तक आप लोगों को करके आना है कि सिट्रेकोनिक एसिड और मीजोकोनिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हुई या सिट्रिक एसिड की। इसके बाद आप लोगों के पास दो तीन रिएक्शंस और बचती है इसकी, जैसे रिडक्शन वगैरह, ऑक्सीडेशन वगैरह, इसके यूजेस वगैरह, इसमें किस किस में सिट्रिक एसिड यूज में आता है वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।